आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए आप। भारत का बहुत स्पष्ट स्टैंड है, तालिबान और अफगानी सरकार जो थी, इसका बहुत समय से लंबे समय से विवाद और इनके यहाँ युद्ध चल रहा है। पहले जब सोवियत संघ था, लगभग 40 साल इस युद्ध को चलते हुए हो गया। पहले सोवियत संघ इसके हस्तक्षेप करता था, सोवियत संघ ने हस्तक्षेप खत्म किया, तो 1996 से 2001 तक तालिबान की सरकार रही थी। उस सरकार के पूरी अफगानिस्तान के लोग, उसके बाद अमेरिका से अनुरोध उन्होंने किया, 2001 में अमेरिका ने वहाँ हस्तक्षेप किया। अभी नई सरकार आने के बाद जो बाइडेन गए, उन्होंने वापस अपनी सेना ली, जिसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि तालिबान ने उस देश पर कब्जा कर। लेकिन परिस्थितियाँ वैसी हैं कि तालिबान ने भी ऐसे दो तीन दिन में अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम दुनिया के सारे देशों के साथ चलें। जहाँ तक भारत की बात है, हमारे लगभग 500 परिवार और 3000 के लोग अफगानिस्तान में हैं, जिसमें से हमने अपने जो हमारा दूतावास है वहाँ के सारे जो हमारे यहाँ के राजनयिक थे उनको हमने वापस बुला लिया है, लेकिन दूतावास हमने बंद नहीं किया। वहाँ के जो हमारे स्थानीय कर्मचारी थे उनके माध्यम से हम अपने उस दूतावास को चला रहे हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म वीजा, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, अफगानिस्तान का अगर व्यक्ति है, अगर वो हमसे वीजा मांगता है, चाहे वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख जैन बौद्ध हो या मुस्लिम भी हो, तो जो भी अगर हमसे वीजा मांगेंगे भारत उसको देने के लिए तैयार है। और हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ किया है, जो लोग आना चाहते हैं वो अपना अगर पंजीकरण कराएंगे तो उनको हम लाएंगे। ये एक विषय। दूसरा विषय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो ये है कि हमको उनके साथ कैसे संबंध रखते हैं, वो अभी बहुत जल्दी होगा। भारत की स्पष्ट विदेश नीति है, जो लोग विस्तारवाद और आतंकवाद पर विश्वास नहीं करते, ऐसे सभी देशों के साथ हम सहयोग करने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और परिस्थितियाँ जैसी आएंगी वैसा निर्णय लेंगे। राकेश टिकैत राजनैतिक रूप से एक त्रास निराश व्यक्ति है, जो दो बार लोकसभा का चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो इस तरह के विघंटावाद और इस तरह के भ्रम पैदा करके कैसे उनको समर्थन मिल जाए ऐसा प्रयास करते हैं। 8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। हम जानते हैं हमारे देश में 80% से ज़्यादा किसान 5 एकड़ से कम की जोतते हैं, और उनके लाभ में ये कृषि कानून है। 8 महीने तक अगर किसानों का वास्तविक आंदोलन होता और वास्तव में किसानों को इस कानून से परेशानी होती तो आज ये पूरे देश में फैल चुका होता। राकेश टिकैत को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम लखनऊ आकर के हम विधानसभा को कहेंगे। लखनऊ में भी किसान है, बहराइच में भी किसान है, लखीमपुर में भी किसान है। हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा की बात हो, कम जमीन में ज़्यादा पैदावार हो, फसलों को बेचने का विकल्प हो। हमने जो पुराने कानून उनको रद्द नहीं किया, हमने तो उनको विकल्प दिए। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से जगह तलाश रहे।